नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दिए को बनाने के पूरे प्रोसेस को। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दीये को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लगे हुए ढेर में से मिट्टी ली जाती है और उसके बाद मोटर के जरिए चल रहे इस चरखे पर मिट्टी को रखने के बाद उसके ऊपर कारीगरी की जाती है और उसके बाद उसमें से दीये बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर मिट्टी का एक बड़ा सा भाग ले लिया गया है और उसे रख कर पानी डालकर थोड़ा सा मुलायम करके एक शेप में ले लिया गया है और इस शेप में से हाथों के जरिए कारीगरी करके इसमें से दीये को बनाया जाता है। तो दिए को बना लेने के बाद धागे से उसे कट करके अलग कर लिया जाता है और इस तरीके से लगातार दिए को बनाया जाता है। तो दिए के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें भी और बनाई जाती हैं और साथ साथ दिए के भी अलग अलग तरीके के शेप देकर अलग अलग प्रकार के दिए भी बनाए जाते हैं। तो मार्केट में आपको बहुत तरीके के अलग दिए भी देखने को मिल जाते हैं जो कि अलग अलग डिज़ाइन के बने रहते हैं। तो उन अलग अलग डिज़ाइन के दिए को बनाने के लिए एक तरीके का सांचा होता है जिसके ऊपर दिए को रख कर बनाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक तरीके की जो डिज़ाइन बनाई जा रही है उसके लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे गोले ले लिए गए हैं। जिस तरीके से आटे की लोई बनाई जाती है उस तरीके से इनको भी बना लिया जाता है। रोटी की तरह चपटा कर देने के बाद इन्हें जो है इस सांचे के ऊपर रख कर आकार दे दिया जाता है। तो शुरुआत में जो दिए रहते हैं उनका शेप कुछ खुरदुरा सा रहता है, जो कि आप देख रहे होंगे वीडियो में कि यहाँ पर जो अभी दिए बनाए गए हैं वो कुछ ऊपर से खुरदुरे हैं, लेकिन इन्हें बाद में काट कर और प्लेन कर लिया जाता है। और ये जो डिजाइन वाले दिए हैं उन्हें बाद में कलर भी किया जाता है।
तो इन दियों को कलर करने के लिए सबसे पहले दियों को धूप में सुखा लिया जाता है और उसके बाद इन्हें जिस भी कलर का बनाना रहता है उस कलर में डुबोकर इन्हें कलर दे दिया जाता है। और कलर करने के बाद में इन्हें पकाया जाता है और पक जाने के बाद ये पूरी तरीके से कठोर दिए बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो दिए पूरी तरीके से रखे गए हैं वो अभी दिए बना कर रखे गए हैं सूखने के लिए, और जब ये दिए पूरी तरीके से सूख जाते हैं तब बाद में इन्हें भट्टी में जला कर पकाया जाता है और पकने के बाद ये दिए पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो दियों को पकाने के लिए एक विशेष तरीके की भट्टी का प्रयोग किया जाता है जिसे ईंटे से बनाया जाता है, और इनके बीचों में जो आपकी दिए सूख जाती हैं उन्हें रख दिया जाता है और उसके बाद इनके बीच में लकड़ी के छीलन और लकड़ी के बुरादे को डालकर बाद में आग लगाया जाता है, जिसके बाद वो दिए पूरी तरीके से पककर तैयार हो जाते हैं। तो अभी रात के टाइम में यहाँ पर जो है दिए लगा दिए गए हैं, अब इनके बीच में आग जलाकर इन्हें ढक दिया जाएगा और सुबह तक ये उस आग की गर्मी की वजह से पककर तैयार हो जाएंगे। तो आग को जलाने के लिए यहाँ पर देखिए गोहरी का प्रयोग किया जाता है जो कि गोबर की बनी रहती है, और इसे जलाकर उस भट्टी के बीच में डाल दिया जाता है। तो देखिए यहाँ अभी धीरे धीरे करके जो गोहरी में आग लगी हुई थी उसे भट्टी के बीच में डाला जा रहा है। और भट्टी में ऊपर से और दिए डालकर अब इन्हें पूरी तरीके से लकड़ी के छीलन से ढक दिया जाएगा और उसके बाद उनके ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर ढक दिया जाएगा। मिट्टी का लेप लगाने के लिए देखिए सबसे पहले पेपर बिछाया गया है, उसके बाद उसके ऊपर गीली मिट्टी का लेप लगाया गया है और उसके बाद उसके ऊपर ये सूखी मिट्टी डाली जा रही है। बाद में रात भर ये जलने पर पूरी तरीके से पक जाता है और उसके बाद सुबह इनमें से पके हुए दियों को निकाल लिया जाता है। तो सुबह के टाइम में देखिए पूरा जो ऊपर का लेप था वो पूरी तरीके से सूख जाता है गर्माहट की वजह से, और जो हमारे दिए रहते हैं वो भी पूरी तरीके से पक जाते हैं। तो अब इन्हें निकाल कर अलग कर लिया जाता है और जितने पके दिए रहते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे दिए भी रहते हैं जो नहीं पके रहते हैं उन्हें रख लिया जाता है दोबारा से डालकर पकाने के लिए। तो जितने भी हमारे पके दिए रहते हैं उन्हें एक अलग साइड में रख लिया जाता है और उसके बाद यहाँ से कलेक्शन करके उसे मार्केट में बेचा जाता है। तो अलग अलग दिए बनाने के साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें हांडी पुरवा और दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इन सब को भी बनाने का प्रोसेस दिए के बनाने के प्रोसेस के जैसा ही होता है। और यहाँ पर ऑर्डर देने पर अलग अलग तरीके की छोटी बड़ी और डिजाइन वाले दिए भी बनाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको दिए के बनाने के कंप्लीट प्रोसेस को दिखाया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।